अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हम इस मॉड्यूल के अंदर बात करेंगे सोशल मीडिया से किस तरह से आप क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली बात है उनके अंदर बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। तो हमने कौन से ऐसे स्पॉट्स ढूंढने हैं जहां पे हमें ज़्यादातर बायर्स मिले ना कि सेलर्स मिले। अब नॉर्मल कम्युनिटी में क्या होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं और इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं जो कि फाइवर फ्रीलांसर, फाइवर पाकिस्तानी फ्रीलांसर, पाकिस्तान ब्लॉगर्स, इंडियन ब्लॉगर्स, इंडियन फ्रीलांसर्स, और इस तरह की कम्युनिटीज़ काफ़ी सारी फेसबुक पे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर डिफरेंट लोग अवेलेबल हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप वहाँ पे जाते हो, उसको ज्वाइन करते हो। अब लेट्स से वहाँ पे कोई एक बंदा आ जाए, कोई बायर आ जाए और वहाँ पे पोस्ट कर दे कि यार मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डेवलपर चाहिए। अब क्योंकि वो फ्रीलांसर ग्रुप है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं उस काम को करने के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर 100 सेलर्स हैं तो एक बायर है जो कि आप उसको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगी, पता नहीं वो आपकी सुनता भी है या नहीं सुनता। तो ये सारे इश्यूज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसका अल्टरनेट क्या है, आपको कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे ग्रुप्स ढूंढ सकते हैं उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बायर्स अवेलेबल हैं, और आपने वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से ये काम हम करेंगे। जी, हम आ चुके हैं फेसबुक के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमारे पास सर्च का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम सिंपल इस तरह के ग्रुप्स ढूंढने हैं हमने जो बाय एंड सेल के ग्रुप्स हों। लेट्स से हमारे पास बाय एंड सेल जितने भी ग्रुप्स होते हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री में हर सिटी के अलग से बाय एंड सेल ग्रुप होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग वो बैठे होते हैं जो कि नॉन टेक्निकल और बिजनेस कर रहे हैं अपना, राइट, कोई भी टाइप का। लेकिन वहाँ पे फ्रीलांसर या फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइडिंग बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे लोग एक दूसरे से चीज़ें, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, और वो सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। लेट्स सपोज कोई जो है वो लैपटॉप सेल कर रहा है, कोई बैग सेल कर रहा है, कोई क्या सेल कर रहा है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे सारे ट्रेडर्स बैठे हैं, राइट। तो अब आप वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपके बिजनेस के लिए आपको वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, मैं आपके बिजनेस के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि आप टोटल वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हो और वो सारे आपके एज अ क्लाइंट हैं, और उनके बिजनेसेस भी हैं, और उन बिजनेसेस अगर उनके हैं तो उनको ये सारी सर्विसेज भी चाहिए और आप उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब ये सारा काम करना कैसे, हमने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आना और यहाँ पे लिखना है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखा है, 52 स्टेट्स हैं टोटल यूनाइटेड स्टेट्स के, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे देखें ये सारे स्टेट्स हैं। हमने क्या करना है, फेसबुक पे जाना है और हर स्टेट का नाम यहाँ से इस तरह से कॉपी करना है। लेट्स सपोज कैलिफोर्निया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलिफोर्निया बाय एंड सेल, और यहाँ पे सिंपल मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे सिंपल मैं आ जाऊँगा इस ग्रुप के ऊपर, सिंपल ग्रुप में। अब यहाँ पे देखें कैलिफोर्निया बाय एंड सेल 44,000 मेंबर्स हैं इसके अंदर, जो कि टोटल प्योर बायर मटेरियल है, ओके। इसी तरह से आप अब दूसरा स्टेट पे आएंगे, आपने इसको ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे इस तरह से क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाबामा बाय एंड सेल, अब यहाँ पे देखें और 42K मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखें बाय एंड सेल और ट्रेड, अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस अपना बेच रहे हैं। अब उनके बिजनेस के लिए जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं आप इनको ज्वाइन करके इन ग्रुप्स को, और उनके अंदर आपने क्या करना है, पोस्टिंग करनी है अपनी सर्विस। अब लेट्स से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमने हमारे पास 52 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर मैंने 50,000 40,000 वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए अपनी फेसबुक को यूज़ करते हुए। अब मैंने क्या करना है, रोज़ एक पोस्ट बनानी है। लेट्स सपोज आई एम अ वेबसाइट डिवेल्पर, आई कैन डिवेल्प अ वेबसाइट फॉर यू इन $200, और आपने उन सारे ग्रुप्स के अंदर डेली पोस्ट करनी है। अब आप सारे ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर रहे हो डेली अपनी सर्विसेज, और क्या कर रहे हैं,
वहां से अगर इतना सारा वॉल्यूम है, फ्री की ट्रैफिक है इतनी सारी कि हर ग्रुप के अंदर 40,000-50,000 मेंबर्स हैं, आप 52 ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हो राइट, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से। इसी तरह आप बाकी कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कनाडा के सिटीज हैं। अब मैं ये वाले कंट्रीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे यहां का जो बायर है उसे डिजिटल चीज का नॉलेज है, उसे पता है कि डिजिटल बिजनेस किस तरह से मैनेज करना है या डिजिटल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें अपना जो बिजनेस है लोकल बिजनेस है उसके लिए वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो इजीली आपकी बात सुनेंगे और आपसे बाय करेंगे। और वहां पे ये वाली सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और जब आप उनको $100-$200 के अंदर चीप के अंदर ऑफर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अट्रैक्ट होंगे और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्च करता हूँ, मेरा वन ऑफ माय स्टूडेंट मजर जहूर, इसने क्या किया, इसको सेम स्ट्रेटजी इसने की, इसने डेडिकेटेड फेसबुक प्रोफाइल बना ली। उसके अलावा इसने यहाँ पे देखें बिल्कुल अनप्रोफेशनल, क्योंकि एक वेबसाइट डेवलपर है, इसको नहीं पता ग्राफिक्स का। और यहाँ पे देखें इन्होंने अपनी वेबसाइट बना के रोज इस तरह के बिल्कुल सिंपल से बैनर्स बना के क्या करता था, ये उन सारे ग्रुप्स में पोस्ट कर देता था। और इसको फाइवर एप पर यूज ना भी करता ये, तब भी इसको ऑर्डर्स आ रहे थे उस तरह के लोकल क्लाइंट से, दुबई से, यूएई से, वहां से सऊदी अरेबिया से, यूके, यूएसए से। तो सिर्फ इसने ये क्या करता था, अपना इस तरह से एक पोस्टर बना लेता था और उनको उन सारे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देता था और इसको रिजल्ट्स जनरेट हुए। पर्सनली ये स्ट्रेटजी मैंने खुद ने भी यूज़ की है और आई गेट द रिजल्ट्स, और आपको भी मैं बता रहा हूँ, आप सारे लोग इसको फॉलो कर सकते हैं अगर फाइवर अपवर्क पे आपको ज़्यादा क्लाइंट नहीं मिल रहा तो ये आपके बिजनेस के अंदर एक अच्छा एडिशन होगा। आई होप आपको समझ आई होगी कि फेसबुक को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव बायर्स लाने के लिए, अपने सर्विस सेल करने के लिए। तो एक ट्रिक थी छोटी सी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारे मेथड्स हैं फेसबुक को यूज़ करने के लिए, लेकिन सबसे मोस्ट इफेक्टिव यही है, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।